हाय गाइस, ये एक और बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, len. लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है ये len, len जिसको हम लोग पढ़ते हैं. दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्जेक्ट का. द आर्ग्यूमेंट्स मे बी अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, बाइट्स, टपल, लिस्ट और रेंज, और अ कलेक्शन सच एज डिक्शनरी सेट और फ्रोजन सेट. इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मतलब सेंटेक्स देखिए, लेन देन यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट लिखते हैं. आर्ग्यूमेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस हो सकता है या फिर कोई कलेक्शन हो सकता है. जैसे स्ट्रिंग लिख दिया आपने, अपने टपल लिख दिया, या फिर कोई लिस्ट लिख दिया, कोई रेंज लिख दिया, या फिर आपने लिख दिया कोई डिक्शनरी या कोई सेट लिख दिया. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिस्ट लिखा, तो ये लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ आइटम होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वह मुझे काउंट करके देगा. कोई स्ट्रिंग लिखा तो स्ट्रिंग का कितना लेंथ है, कितना कैरेक्टर है वह उसका हमें काउंट करके देगा. अगर डिक्शनरी लिखा तो डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं वह हमें काउंट करके ये देता है. क्विकली देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल. देखिए, ए में मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग, बी में मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक लिस्ट, और सी में मैंने लिखा हुआ है एक टपल, डी में मैंने लिखा हुआ है एक सेट, और ई में है एक डिक्शनरी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टपल्स का एक लिस्ट. और वन बाय वन मैंने सभी को प्रिंट कर लिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किसका कितना लेंथ है. तो मैं करता हूँ इसको रन यहाँ पर, और हम लोग एक एक करके सबको देख लेंगे. देखिए, पहले ये ए को हमने डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर. देखिए, ए में आप काउंट करेंगे करेक्टर बाई करेक्टर, तो ये आपको 10 मिलेगा, जो आपको 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है. देन बी का लेंथ हमें दिखाई दे रहा है, ये आइटम्स को काउंट कर, एलिमेंट को काउंट करता है, 1 2 3, 1 से काउंट करता है, याद रहे 1 2 3, और हमें यहाँ पर 3 दिखाई देता है. देन बी जो कि टपल है, सॉरी सी जो कि टपल है, उसमें 4 एलिमेंट है, तो हमें ये 4 दिखाई दे रहा है प्रिंट होकर. देन डी प्रिंट किया मैंने, तो डी एक है हमारा सेट, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 एलिमेंट, तो यहाँ 5 दिखाई दे रहा है. उसी तरीके से ई हमारा क्या है, एक डिक्शनरी है, तो ये 101 102, और एक में भी एक होगा 103. सो ये पूरा एक आइटम, देन ये एक पूरा आइटम, और एक इधर होगा तो वो पूरा आइटम, इसी वजह से हमें 3 दिखाई दे रहा है. इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा. देखिए, डिक्शनरी वाला फिर से देखिए, देखिए ये एक पहला, ये एक दूसरा, और ये एक तीसरा, इसलिए आपको यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिक्शनरी का ई वाला प्रिंट होगा. देन एफ में क्या है, देखिए ये वाला पहला काउंट होगा, ये वाला दूसरा काउंट होगा, और ये वाला तीसरा काउंट होगा, इसलिए आपको यहाँ पर 3 देखने को मिलता है. देन जी में ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा, इसलिए आपको 3 देखने को मिलता है. तो इस तरीके से ये लेंथ काउंट करता है एलिमेंट्स को, आइटम्स को, या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टर को, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं. हमने बहुत बार इसका यूज़ किया है लेकिन पढ़ा नहीं था सेपरेटली, सो मैंने इसको सोचा कि एक बार बता देते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.